अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आपके लिए वो है एकॉस्टिक्स का इम्पल्स हेडफोन्स। शेयर करूंगा मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस, कैसा है ये ईयरफोन, मुझे कैसा लगा, इसका फील कैसा लगा और कैसी साउंड क्वालिटी है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। जिसे विराट कोहली एंडोर्स करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये हेडफोन्स। दोस्तों तो कुछ इस टाइप का पैकेजिंग आता है इंपल्स हेडफोन्स का। साइड में देखते हैं तो प्राइस लिखा है MRP 2499, लेकिन ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है लगभग 700 टू 800 की प्राइस रेंज में। डिजाइनिंग दिया हुआ है कैसा बना हुआ है ये, माइक्रोफोन है, एमप्ले प्लस का बटन है केबल के अंदर ही, 3.5mm जैक है एंड की स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है 40mm के ड्राइवर्स हैं। चलिए फटाफट से ओपन करते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। ये निकाला, हेडफोन्स एक बार साइड में रखा और इसके अलावा ये एक बॉक्स, इसमें ज़रूर से इसका केबल होगा। एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी इसके बारे में वो ये है कि जो केबल्स हैं ये भी अलग से डिटैच हो जाते हैं एंड वापस आप अटैच कर सकते हैं, तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है ये चीज़। केबल है, मैनुअल्स है, बाजू में करते हैं, एक अच्छा केबल है, गोल्ड प्लेटेड पॉइंट्स है, काफ़ी अच्छा लंबा केबल है एंड केबल की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ ब्रेडेड केबल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मूव एकॉस्टिक्स की ब्रांडिंग है बैक साइड में एंड एक माइक है ताकि हम वो ऑडियो कॉल्स रिसीव कर सकें एंड एक वन टच बटन है जिसे हम सीरी या फिर गूगल असिस्टेंस इन्वोक कर सकते हैं। चलिए अब ओवरऑल हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। कुछ इस टाइप का कॉम्पैक्ट हो जाता है हेडफोन, एकदम एक रेट्रो फील है। मूव एकॉस्टिक्स की ब्रांडिंग है हेड के ऊपर। चलिए इसको काफी अच्छा एक रेट्रो फील है, प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन वेलवेट टच है, अच्छा लगता है हाथ में होल्ड करने में काफी अच्छा लगता है एंड ये सिल्वर फिनिश जैसा मूव एकॉस्टिक्स का लोगो ब्रांडिंग दिया हुआ है इधर। काफी सॉफ्ट फोम है, पूरा फोल्डेबल है और मटेरियल काफी अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दिख रही है वो एक काफी अच्छी एंड स्टडी बिल्ड क्वालिटी है, काफी अच्छा हाथ में वेलवेट टच, वेलवेट फिनिश के कारण काफी अच्छा फील आ रहा है हाथ में होल्डिंग में एंड एक स्टडी हेडफोन लग रहा है। वो चीप हेडफोन्स नहीं है जो हमको मार्केट में मिलते हैं, काफी स्टडी फील है एंड एक रेट्रो टच है ये केबल्स वायर्स के कारण एंड काफी लंबा भी हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैं खींच लिया, काफ़ी लंबा भी हो गया तो किसी को भी इजीली फिट हो जाएगा ये हेडफोन, चाहे बड़ा हो के छोटा हो एंड काफ़ी पोर्टेबिलिटी के हिसाब से भी अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हेडफोन है। पूरा बंद किया, अंदर ये रोल ऑन हो गया ऐसे एंड फिर से इसे पुश कर दिया अंदर टॉप तक, एक काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया, बैग में डाल लिया, पर्स में डाल लिया एंड केबल टूटने का भी टेंशन नहीं है, केबल अलग से डिटैच हो गया तो काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट फील आता है इसका। नीचे 3.5mm जैक दिया हुआ है ताकि हम ये हेडफोन को फिट कर सके डायरेक्टली इसमें। यो गैन ऑन द गो, हेडफोन तैयार है आपका। चलिए चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी का। दोस्तों अगर ओवरऑल ओवरव्यू की बात करता हूं मैं तो काफी डीप बेस है, काफी अच्छा क्रिस्प बेस है, एकदम बहुत मजा आता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई लैग कर रहा है बेस में या बेस में कुछ कमी है। ट्रेबल्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, वोकल्स बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही अच्छा वोकल्स है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ट्रेबल्स अगर थोड़े से और शार्प होते हैं हेडफोन के अंदर तो
मजा और आ जाता। लेकिन ओवरऑल अगर बात करता हूँ अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, 600 टू 800 की प्राइस रेंज के हिसाब से अगर ओवरऑल बात करता हूँ, तो काफ़ी मस्त हेडफोन्स है, एक रेट्रो फील आता है एंड काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस हेडफोन्स की। एक वेलवेट टच है, काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है बंद होके, एंड सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हेडफोन का केबल निकल जाता है, केबल भी काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, हेडफोन का केबल निकल गया, आपने अलग से केबल पैक कर दिया, मुड़ के यहाँ से टूटने का भी इशू नहीं है। एंड माइक भी दिया हुआ है ताकि आप अगर गाने सुनते सुनते अगर किसी का कॉल आ रहा है आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा एंड स्वीट पैकेज है मेरे हिसाब से अपने प्राइस रेंज के अंदर, एंड साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको यूँ नहीं लगेगा कि मैंने 800 के अंदर ही हेडफोन खरीद के कोई गलती की है, आप लॉन्ग टाइम सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी आउटपुट है। अगर आपको चेकआउट करना है इस हेडफोन्स को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक्स दिए, वहाँ से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं इस हेडफोन्स को। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा, एंड उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, टेक्निकल ज्ञान। मैं ऐसी वीडियोज़ लेता आता हूँ आपके लिए रोज़ाना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन अग्रवाल, बाय।